नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एफएम न्यूज। आज भारत और श्रीलंका का टेस्ट मैच ईडन गार्डन में खेला जाएगा। सीरीज का ये टेस्ट मैच 16 नवंबर यानी आज से शुरू हो रहा है और श्रीलंका का इस मैदान पर पहला 5 दिवसीय मैच भी होने जा रहा है। टीम इंडिया ने इस साल श्रीलंका को 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 3-0 से हराया था और 16 नवंबर से कोलकाता में शुरू होने वाली आगामी सीरीज में भी कोहली की अगुवाई वाली टीम को जीत का दावेदार माना जा रहा है। वर्तमान परिस्थितियां ही नहीं, रिकॉर्ड भी भारत के पक्ष में है। भारतीय टीम ने अब तक श्रीलंका से अपनी सरजमी पर एक भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया है और एक बार पहले भी वह श्रीलंका के खिलाफ स्वदेश में क्लीन स्वीप कर चुका है। श्रीलंका टीम के 7 हफ्ते के भारत दौरे के लिए आई है। दूसरा टेस्ट 24 से 28 नवंबर तक नागपुर में खेला जाएगा, जबकि अंतिम टेस्ट दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में 2 से 6 दिसंबर तक खेला जाएगा, जिसके बाद 3 वनडे मैच होने वाले हैं। पहला मैच 10 दिसंबर को धर्मशाला में, दूसरा मैच 13 दिसंबर को मोहाली में और तीसरा वनडे मैच 17 सितंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। कटक में 20 दिसंबर को, इंदौर में 22 दिसंबर को और मुंबई में 24 दिसंबर को 3 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जाएंगे। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए FM न्यूज को सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।